नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मणि, पटना का फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। और यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 8.2, मतलब कि आठवां चैप्टर का दूसरा सेट या रे ऑप्टिक्स का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों लैंग्वेज दोनों भाषा में मिल जाता है। साथ साथ में यह बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। साथ साथ में अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो रात 8 से 9 के बीच इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और वैसे अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो के जरिए न देखकर पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा। पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए YouTube पे एमिंग हाई सर्च करें या यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, पीछे का पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन लाइट इंटर्स इन ग्लास देन इट्स वेवलेंथ, मतलब जब कोई प्रकाश ग्लास में घुसता है, कांच में घुसता है, तो इसका तरंग दर्ज क्या होता है, क्या असर पड़ता है वेवलेंथ पर। तो मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन के आंसर बताने पर बहुत सारे लोग हो सकता है हम पे कटाच करें, कमेंट करें, लेकिन मैं उसका प्रूफ भी लेकर आया हूं, और वो क्या है वो मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दर्ज यानी वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे बुक में ना, बहुत सारा बुक लीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत सारा बुक और क्वेश्चन बैंक में आंसर लिखा हुआ डिक्रीजेस। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखा है जो लोग बनाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वो भी डिक्रीजेस ही बताते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये आंसर सही नहीं है। अब सही आंसर क्या है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं, और ये सही आंसर क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि ग्लास में जो लाइट घुस रहा है, ग्लास में जो लाइट, कह रहा है कि ग्लास में लाइट गया, वो अगर रेयरर मीडियम से जा रहा है, रेयरर का मतलब जो हिंदी नहीं जानते इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिरल माध्यम बोलते हैं बिरल, और डेंसर का मतलब होता है सघन। यानी अगर ये बोलता कि ग्लास में जो लाइट आ रहा है, इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, घुस रहा है, वो अगर रेयरर मीडियम से आ रहा है, तब तो आप बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में घुसता है तो उसका वेवलेंथ जो रहता है वो कम जाता है, लाइट जो होता है वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है और वेवलेंथ कम जाता है, क्योंकि आप लोग अपने सर से पढ़े होंगे, 8-9 में भी पढ़े होंगे, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो इसका स्पीड जो है वो भी कम जाता है, वेवलेंथ भी कम जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में को पढ़िएगा तो कहीं से भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको बोल रहा है कि ग्लास में किस तरीके के माध्यम से लाइट घुस रहा है। यह भी तो हो सकता है कि ग्लास में जो लाइट घुस रहा है, कांच में जो इंटर कर रहा है, वो ग्लास से भी डेंसर मीडियम से घुस रहा हो। मैं कह रहा हूं कि ग्लास में जो लाइट यहां इंटर कर रहा है वो ग्लास से भी डेंसर मीडियम से घुस रहा हो, और अगर बाहर वाला मीडियम डेंसर है और ग्लास रेयरर है, और तब जब इसमें लाइट घुसेगा तब तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, कमने के बजाय उसका स्पीड बढ़ जाएगा, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, तो उसमें तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। मतलब कि मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि डाटा इनकंप्लीट है, डाटा जो आंकड़ा है वो अपूर्ण है, सही ढंग से दिया हुआ नहीं है कि ग्लास में किस माध्यम से जो लाइट है वो घुस रहा है। अगर ये बोल दिया होता कि किसी रेयरर से जा रहा है डेंसर में तो वेवलेंथ ऑब्वियस ही बात कम जाएगा, अगर बोलता डेंसर से जा रहा है रेयरर में तो वेवलेंथ बढ़ जाता, लेकिन किसी भी तरीके से नहीं दिया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे डाटा इनकंप्लीट। और ऑप्शन हम खुद देखिए ना, डाटा इनकंप्लीट क्यों दिया है ऑप्शन में डाटा इनकंप्लीट, आंकड़ा अपूर्ण क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आंकड़ा अपूर्ण है तो इसलिए उसने ऑप्शन में दे दिया कि आंकड़ा अपूर्ण है, समझने वाला लोग समझेगा, लेकिन बहुत सारे गेस्ट पेपर वाले लोग, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक जो बनाते हैं अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के, जो जिसका चलता है बिकता है, वो लोग भी यही गलती किए हुए हैं। तो मैं ये आपको बताया कि इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा इनकंप्लीट। अगर आप ये मानकर आंसर मानते हैं कि डिक्रीजेस, तो आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए था कि बाहर है रेयरर मीडियम और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम, मतलब किस माध्यम से ग्लास में लाइट घुस रहा है। आप कहिएगा कि सर हम हवा मान लेंगे, हवा क्यों मानिएगा,
क्या हवा से ही लाइट आता है? कोई मीडियम हो सकता है, अगर आप हवा मानिएगा, यह क्वेश्चन में हवा दिया हुआ रहता कि हवा से ग्लास में जा रहा है, तब तो आपका बात बिल्कुल सही हो जाता। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि जो लाइट है वो हवा से ग्लास में जा रहा है, तब तो सही है कि हवा हो जाता है रेयरर, ग्लास हो जाता है डेंसर, तो अंदर जाने पर जो स्पीड है, वेवलेंथ है, वो कम जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हुआ मेरा ओपिनियन कि इसका सही आंसर जो होगा वो डाटा इज इनकम्प्लीट होगा। अब चलते हैं प्रूफ पे। मैंने पहले भी बोला कि आपको मैं प्रूफ दूंगा, आपके सामने प्रूफ यहां दिख रहा है, ये बॉक्स, ये आईआईटी 1980 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने बड़ा मुशक्कत से इसे आप लोगों के लिए लाया है ध्यान से, ताकि मैं सही ढंग से दे सकूं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं सही ढंग से उनको नॉलेज है, वो कटाच करते हैं। तो मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है, 1980 में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, यहां बजावते दे दिया है कि एयर से जा रहा है ग्लास में, तब वेवलेंथ क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात, इसका जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डिक्रीजेस हो जाता। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाया उसमें नहीं दिया हुआ है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, और आपको पता है कि किसी माध्यम में जाने में वेवलेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो रेयर से आ रहा है या डेंसर से आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन का यहां दिख गया डैशबोर्ड, मतलब दूसरा क्वेश्चन का डैशबोर्ड नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे का डैशबोर्ड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पे जो भी बच्चे हैं उसमें अधिकांश स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले का मतलब मेरे यहां जो भी वीडियो देखने आते हैं वो समझ कर वीडियो देखने आते हैं, चाहे पटना में क्लास करने के लिए आते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, वो समझ कर वीडियो देखने के लिए आते हैं कि नहीं इस चैनल पर चलेंगे तो समझ कर कुछ सीखेंगे, नॉलेज मिलेगा, रट्टा मार नहीं। और मुझे खुशी होता है ये जानकर कि मेरे चैनल पे वैसे लोग हैं जो बिल्कुल मलाई हैं, तो ये जानकर हमें खुशी होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इसका फायदा उठा रहे हैं तो आपको हमारा भी हेल्प करना चाहिए। आ गए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर इज, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, आपको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर में एक इंड पे लाइट को भेज दिया जाता है और ये लाइट टकराकर दूसरे इंड पर पहुंच जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन भी है और वेव गाइड भी है, दोनों के दोनों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। आ गए क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है 3 में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एक सरफेस का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, मतलब कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका फोकस दूरी क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता होगा कि फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f = μ-1/r1-r2, यही तो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है ना, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला, इसे लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं, लेंस निर्माण का सूत्र बोलते हैं। तो कुछ नहीं, आपको रेडियस पहला भी पता है, दूसरा भी पता है, लेकिन हाँ साइन कन्वेंशन को भूलिएगा मत, पहले सरफेस का जो रेडियस हो जाएगा वो +10 होगा, +10 वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए पहला सरफेस ऐसे है, ऐसे तो ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा त्रिज्या वो इधर होगा, और दूसरा सरफेस का जो रेडियस r2 होगा वो -15 होगा, -15 क्यों, क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो रेडियस इस साइड होगा, और आपको पता होगा कि इस साइड का सैंबल निगेटिव होता है, इस साइड का पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो r1 r2 म्यू पता है, सब पुट पाट करके निकाल लीजिए, चलिए आपके सामने निकाल लेते हैं। म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो यहां हो जाएगा 1.5 - 1, 1/r1 हो गया 10 और r2 हो गया -15। जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 - 1 हो जाएगा 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, और यहां पे 1/10 माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, +1/15, तो इसका एलसीएम अब बोल सकते हैं यहां हो जाएगा 150 और ऊपर हो जाएगा 25, ठीक है,
25 से 6 बार में कटेगा, 25 छक्का 150, ठीक है, यानी कि आ गया 1/12। लेकिन रुकिए, ये जो 1/12 आया ये फोकल लेंथ नहीं आया, 1/f आया। देखिए मैंने 1/f को निकाला है यहां, फिर यहां 1/f 1/12 के बराबर आया। यहां से अगर मैं f निकालूंगा तो 1/12 के बजाय वो 12 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, वो 1/f इक्वल टू 1/12, तो f निकालेंगे तो पलट जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, आ गए चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, कह रहा कोई लेंस है जिसका म्यू 1.5 है और हवा में जिसका फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लेंस का जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और वर्तनांक 1.5 है। अब कह रहा है क्या कि अब इसे एक ऐसे मीडियम में रख दिया गया जिसका म्यू 1.5, अच्छा, उस माध्यम का भी अपवर्तनांक उतना ही है जिसमें रख दिया गया, तो कह रहा कि फोकल लेंथ कितना होगा। देखिए मैं इसे दो तरीके से समझाता हूं। पहला सुनिए कि जब कोई भी लेंस का जितना म्यू हो, उदाहरण के लिए यहां 1.5 दिया हुआ है तो हम लोग 1.5 मान लेते हैं, तो अगर कोई भी लेंस का म्यू दिया हुआ हो और सराउंडिंग का भी म्यू अगर उतना ही हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो उस समय उस लेंस का फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाता है, और फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा तो पावर जीरो होगा। हालांकि क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछ रहा है तो इंफिनिटी हम लोग आंसर मार देंगे, ठीक है, इंफिनिटी इसका आंसर होगा। तो यह हुआ पहला तरीका, आप इसे याद रख सकते हैं कि जब लेंस का म्यू और फोकल लेंथ का म्यू, सॉरी सराउंडिंग का म्यू, लेंस का म्यू, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का अपवर्तनांक और जो बाहर में सराउंडिंग है, वातावरण है जिसमें लेंस रखा गया, उसका अपवर्तनांक अगर बराबर हो तो जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा और पावर जीरो हो जाएगा। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका से समझिए, देखिए आप इसे लेंस मेकर फार्मूला से भी बना सकते हैं। ओ 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1, ओ 1/r1 माइनस 1/r2। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितना लेंस का म्यू है उतना ही सराउंडिंग का म्यू है, तो दोनों का म्यू सेम है, दोनों का म्यू बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों का म्यू सेम रहेगा तो जो म्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आपको पता होगा कि म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग निकालेंगे तो लेंस का म्यू बटा सराउंडिंग का म्यू होगा, तो 1.5/1.5 कट के हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो गुना होकर पूरा का पूरा 1 - 1 हो जाएगा ना 0, तो गुना होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा उसका उल्टा, यानी इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। आप जिस तरीका से इसे याद रखें याद रख सकते हैं। आ गए पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब माध्यम से एक माध्यम से माध्यम में प्रकाश का किरण जाता और मुड़ता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसे कौन नहीं जानता, अपवर्तन बोलते हैं। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो अपवर्तन बोलते हैं। डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। हां, अगर लाइट टकराकर लौटता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, लाइट का जो टकराने वाला जो घटना होता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इमर्ज इन वाटर देन इट बिकम्स, मतलब कांच का अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो ये क्या हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई कांच का लेंस है, अवतल लेंस, और ये हवा में रखा हुआ है तो क्या होगा इसके साथ कि लाइट को मोड़ेगा, डाइवर्जिंग होगा। लेकिन जब ये पानी में रखा जाएगा ना तो उतना ज्यादा ये लाइट को नहीं मोड़ पाएगा, क्योंकि म्यू का चेंजिंग हो जाता है ना, सराउंडिंग का म्यू बढ़ ना गया, म्यू का चेंजिंग, इसलिए ज्यादा नहीं मोड़ पाता, कम मुड़ता है। यानी आप कह सकते हो कि ये लेस डाइवर्जिंग हो जाएगा, कम अपसारी हो जाएगा, ठीक है। हवा में रखे तो ज्यादा लाइट को मोड़ रहा है और पानी में रखे तो लाइट को उतना ज्यादा मोड़ नहीं रहा है। आ गए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू लेंसेस ऑफ 2 डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, दो लेंस है, एक 2 और एक -3.5। खैर सबसे पहले इससे तो ये नॉलेज मिल रहा है कि जिसका पावर 2 डायोप्टर है वो कॉन्वेक्स लेंस है और जिसका माइनस में है पावर वो कॉनकेव लेंस है। आपको पता होगा इसके बारे में कि एक कन्वर्जिंग हो जाएगा, एक डाइवर्जिंग हो जाएगा, एक का पावर प्लस में होता है और एक का पावर माइनस में। तो कह रहा है दोनों को जब मिला देंगे तो इक्विवेलेंट पावर कॉम्बिनेशन का कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपने सर से पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट पावर जो होता है वो पी1
वन प्लस पी टू होता है दो लेंस के लिए, तीन रहेगा तो प्लस पी थ्री हो जाएगा, चार रहेगा तो प्लस पी फोर तक चला जाएगा। तो पहला का है दो और दूसरा का है माइनस 3.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस 1.5 डायोप्टर, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर तीन लेंस बोलता तो तीनों का पावर जोड़ देते तो पावर निकल जाता, ठीक है। इस तरीका से आप पावर निकाल सकते हैं, फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि पी इक्विवेलेंट का फार्मूला पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इस तरीके से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और देखते देखते आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दो लेंस है, एक का पावर -15 डायोप्टर और दूसरा का पावर +5 डायोप्टर। अच्छा, डायरेक्टर यहां गलती से लिखा गया, डायोप्टर होना चाहिए था। तो कह रहा संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। अच्छा, इक्विवेलेंट पावर नहीं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो यह भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको P1 P2 पता ही है, P इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, उससे निकाल लीजिए फोकल लेंथ। P1 है 15 डायोप्टर, सॉरी -15 डायोप्टर, और P2 है आपका +5 डायोप्टर। तो पहले P इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आपको पता है कि P1 प्लस P2 के बराबर होगा, यानी -15 प्लस 5 के बराबर होगा, यानी -10 डायोप्टर के बराबर होगा P इक्विवेलेंट। अब निकाल लीजिए फार्मूला, आपको O1 F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P इक्विवेलेंट, तो 1 हुआ 1 और P इक्विवेलेंट का पावर -10 हुआ, तो यहां से सॉल्व करने पे -1/10 मीटर हो जाएगा फोकल लेंथ, -1/10 मीटर। ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो चलिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तो यहां से निकल जाएगा -10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था बहादुर, दोनों का P1 P2 पता है, पहले P1 P2 से P इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और वो निकल जाएगा, तो F इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आपको पता ना कि ये बराबर 1/P होता है या P बराबर 1/F, तो आपको P निकल गया तो उसको पुट करके नीचे में F निकाल लीजिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, आ गए 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका म्यू 1.5 है और इसे डुबाया जाता है वाटर में, तो इसका पावर क्या होगा। अच्छा 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 अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जब लेंस को वाटर में डालेंगे तब फोकल लेंथ उसका बढ़ जाएगा। मैंने ऊपर वाले बताया था कि लेंस को जब वाटर में डालते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब कैसे, इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला के डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो शॉर्टकट वीडियो है। अगर आप मेरे क्लास में क्लास किए होंगे तो मैंने इन सब चीजों को डिटेल में बताया है, जो पटना में क्लास चलता है मेरा उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे क्या होगा। लेकिन अगर वीडियो में आप सिर्फ शॉर्टकट में देख रहे हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर डालेंगे लेंस को वाटर में तो फोकल लेंथ उसका जो होगा वो बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी इसका आंसर डी होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि पावर बराबर 1/F होता है, तो अगर एफ बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा ना, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले यहां एक मैसेज शो कर रहा है, वीडियो को रोककर जल्दी से मैसेज को पढ़ लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो इस पे काम कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल बी, अच्छा अच्छा, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, दोनों के फोकल लेंथ के जोड़ के बराबर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है, यानी कि नेत्रिका का जो फोकल लेंथ होता है आईपीस मतलब, और एक ऑब्जेक्टिव इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, दोनों के फोकस दूरी के लेंथ का जो जोड़ होगा उसी के बराबर होगा खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, खगोलीय दूरबीन की लंबाई। तो आप समझ गए होंगे, अभी तक भी लाइक नहीं किए तो कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किए तो कमेंट कर दीजिए। आप जो भी कीजिएगा वो आपके लिए, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। आपके हर एक कमेंट लाइक हम सब चीजों का इज्जत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, एग्जाम में जाके फाड़ दीजिए, चिढ़ दीजिए, लेकिन इतना अच्छा नंबर लाइए, इतना अच्छा नंबर लाइए कि आपके जैसा कोई ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।